नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के नए राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। अब जो स्थिति बनकर सामने आई है बिहार के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, तीन दल जो है बीजेपी, जदयू, आरजेडी और हम, इन सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी विधायक और सांसदों को लेकर एक बैठक चली, जिस बैठक में कई अलग अलग निर्णय जो है लिए गए। जदयू की तरफ से अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आरजेडी की तरफ से जो खबरें निकलकर सामने आई है उसमें कमोबेश सभी विधायकों ने जो है नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने में अपनी सहमति जताई है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों से जो है सिग्नेचर करवाया है और वो जो है एक पत्र जो है वो अब मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद ये होगा कि राज्यपाल से जाकर मिला जाए और उसके बाद नई सरकार जो है, नया कैबिनेट जो है वो बनने को लेकर कवायद आगे तेज होगी। कहा जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ जो है मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री 2 बजे जो है राज्यपाल यानी कि राजभवन जो है जाने की बात कही जा रही है। इस दौरान जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो भी जो है मुख्यमंत्री के साथ होंगे, जिसमें ये पुरानी तस्वीरें हैं लेकिन 2015 का विधानसभा का चुनाव जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और एक जनाधार मिला था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार इनसे अलग हो गए थे। अब जो स्थिति है उसमें एक बार फिर से दोनों के जो है साथ आने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आज जब राजभवन का मार्च होगा, पैदल मार्च होगा, उसमें विपक्ष की, अभी जो वर्तमान में जो विपक्ष की पार्टियां हैं सरकार बनाने को लेकर जो है वो राज्यपाल के पास जाएंगे और उसमें जो है अपना एक कह लें कि बहुमत जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से जो है ये स्थितियां हैं। इसको लेकर जो है कई तरह की बातें कही जा रही है। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि राजद की तरफ से कुछ मांग की गई, जिसमें कि कहा गया कि गृह मंत्रालय जो है वो दिया जाए, साथ ही साथ जो है लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है वो भी दिया जाए। लेकिन इसको लेकर जो है कोई आधिकारिक बयान जो है ना तो आरजेडी की तरफ से सामने आया है और ना ही जो है जदयू की तरफ से कोई बयान जो है सामने आया है। इससे पहले कि अगर हम पॉलिटिक्स को देखें, पूरी बिहार की राजनीति को देखें और नीतीश कुमार को देखें, तो नीतीश कुमार ने जो है जो पोर्टफोलियो जो है शुरुआती समय से जब मुख्यमंत्री रहे, जो पोर्टफोलियो जो इनको यानी कि जो भी मंत्री का पद जो है इनको मिलता रहा, उसी मंत्री पद के साथ जो है इन्होंने बीजेपी के साथ भी समझौता किया था और आरजेडी के साथ जब कुछ समय के लिए जब इनकी सरकार रही थी तब भी जो है इनके साथ उसी तरह का समझौता रहा। वर्तमान के अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम को देखें बीजेपी और जदयू के बीच में, तो इन बातों को लेकर खूब कसमकस की स्थिति रही। बीजेपी लगातार ये कहती रही हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको उस तरह का पोर्टफोलियो नहीं मिला, उस तरह के मंत्री पद नहीं मिले। अब जो स्थिति है उसमें आरजेडी के पास ज्यादा विधायक है, नीतीश कुमार के पास कम विधायक है। लाजमी सी बात है जो स्थितियां बीजेपी के साथ रही होगी नीतीश कुमार की, वही स्थितियां कमोबेश यहां भी आने वाली है। तो आने वाले कुछ घंटे ही ऐसे महत्वपूर्ण होंगे जिसमें इस बात का भी डिसीजन होगा कि कौन सा पोर्टफोलियो कौन सी पार्टी के पास होगा, या फिर नीतीश कुमार फिर से वही पुरानी जो परिपाटी चली आ रही थी कि इतने विधायक जो है हमने यानी कि इतने मंत्रिमंडल में इतने जो मंत्री हैं वो बीजेपी के साथ थे, तो वही मंत्री जो है आप आरजेडी में अगर हैं, आरजेडी अगर सत्ता में है तो उसको वो भी मंत्री पद दिया जाएगा। इस तरह की कई जो है बातें जो है निकल कर सामने आ रही है। दोनों के बीच में अगर बीजेपी और जदयू के बीच में आज अगर रार की स्थिति है तो उसको लेकर भी कई तरह की बातें जो है अब निकलकर सामने आने, जदयू के विधायक जो है अब खुलकर धीरे धीरे ही सही लेकिन खुलकर जो है अब सामने आने लगे और बोलने लगे हैं कि बीजेपी के साथ यानी कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो हमारे क्षेत्र में जब हम उनको काम के लिए जाते थे तो वो सीधे तौर पे मना करते थे या फिर जो है कह लें कि वो काम नहीं हो पाता था। तो इस तरह की कई खबरें हैं। अगर क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बीजेपी के नेता लगातार यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो कई बार ऐसे सोशल मीडिया मंच पर भी जो है बिहार के प्रशासनिक अमलों को लेकर जो है अपनी बात रखी है, कहा है कि हाँ जो है प्रशासन जो है सुशासन का राज नहीं है, इस तरह की बातें भी उन्होंने कह दी है। अब जो स्थिति है उसमें चाचे भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। अब कहा जा रहा है कि 2 बजे जो है राजभवन का मार्च होगा, उसमें तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार दोनों साथ में होंगे, साथ ही साथ कांग्रेस के नेता होंगे। हम की तरफ से जो है अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, हम के पास 4 विधायक हैं लेकिन वो जदयू से समर्थित है। तो ऐसे में अब देखना है कि हम की क्या भूमिका होती है, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन में वाम दल भी है, कांग्रेस भी है और आरजेडी है, उसके नेता तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव ने सहमति जता दी है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जदयू और राजद यानी कि महागठबंधन पूरा पुनवा एक साथ जो है राजभवन मार्च कर सकता है 2 बजे तक का वो टाइमिंग की बात जो है कही जा रही है। लेकिन ये सारी खबरें जो है सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। तो बिहार की राजनीति में और भी क्या अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और वैसे घटनाक्रम के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।